हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपका शोर आ रहा हो पीछे से तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, उसे इग्नोर करिएगा और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम एक आईपीओ से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन आईपीओ है जो कि आईआरसी मतलब इंडियन रेलवे का है, फाइनेंस से रिलेटेड है, आईआरएफसी जिसका नाम है, उसके बारे में जानेंगे। पर बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, आप क्लिक करेंगे तो आपका डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ फ्री में आपका ओपन हो जाएगा, जो कि जीरो डिलीवरी चार्ज देता है, से भी रजिस्टर्ड है, जो कि आजकल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ताकि आपके साथ किसी तरीके का फ्रॉड ना हो। तो यहाँ पर इस लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो जिस आईपीओ से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं उस आईपीओ का नाम क्या है? उस आईपीओ का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड आईपीओ। तो इंडियन रेलवे का आपको ऑलरेडी पता है कि दो शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्ट है, एक तो RVNL के नाम से है और एक है IRCTC, जिसने बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको दिए है, एक साल उसको कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा आईपीओ आ रहा है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसके बारे में जानेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पर अगर हम इस वीडियो में आपको पढ़ के मैं आपको बताता हूँ, तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1986, मतलब इन 1986 में ये कॉर्पोरेट हुआ था। द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन इज़ अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज दैट इज़ होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब प्रेसिडेंट के थ्रू ही ये इसकी सारी अथॉरिटी है, मतलब ये प्रोमोटर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। IRCTC इज़ द प्राइमरी इंगेज इन द फाइनेंस एंड द एक्विजिशन ऑफ द रोलिंग स्टॉक एसेट, लीजिंग ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट एंड लीडिंग टू एंटिटीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर अंडर ये जो इसका रोलिंग ऑफ स्टॉक्स ऑफ एसेट्स होता है ना, और जो भी रेलवे का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या से एसेट से रिलेटेड जो भी काम होता है उसको जो ऑन करती है, ओके, उसमें मतलब उसके उसके काम में ये इंगेज रहती है, उसका वही काम इसका मेन है। और अगर बात की जाए तो बीइंग द बोरोइंग आर्म ऑफ द इंडियन रेलवे, मतलब जहाँ पर फाइनेंस की बात हो रही है ऑब्वियसली बात है बोरोइंग तो देगी, तो बीइंग द बोरोइंग आर्म ऑफ द इंडियन रेलवे IRFC इज रेस्पॉन्सिबल टू रेज फंड टू MOR दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रोलिंग स्टॉक एसेट, वेगन ट्रक, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स, लोकोमोटिव, कोचिंग, इट्स इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंशन एंड एसेट मैनेजमेंट। तो क्या काम करती है तो आपको बताया जाए, IRFC का जो काम है फंड को रेज करना है, और फंड रेज किसके लिए करना है, तो जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है जो ट्रेन से रिलेटेड, जैसे वेगन्स हो गए, इनके जो ट्रक्स हो गए जो मतलब ट्रेन को चलाने के लिए, ओके, उनके रिपेयरिंग में, उनकी कोच में, उनके जो बिजली के थ्रू वो चलते हैं, और जो पूरा एसेट है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए जो फंड रेज करके उसमें आगे देना, वो सारा का सारा हिसाब किताब कौन रखता है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और आपको पता है कि IRCTC बहुत बड़ा है, ओके, इंडिया में मतलब दुनिया का सबसे बड़ा अगर बात की जाए ट्रैक जो है वो सारा इंडिया में ही है, ओके, आपको नॉर्थ से आपको साउथ तक एंड वेस्ट से लेके ईस्ट तक आपको बहुत लंबा चौड़ा ट्रैक इंडिया में आपको हर तरफ बिछता हुआ नज़र आएगा। तो काफ़ी बेहतरीन ये आईपीओ हमें सिद्ध होता हुआ नज़र आएगा, बिजनेस मॉडल काफ़ी बेहतरीन है, यूनिक है। अगर बात की जाए, इट फॉलोज द फाइनेंशियल लीजिंग मॉडल टू फाइनेंस रोलिंग स्टॉक प्रोसीजर फॉर लीज पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर अकाउंटिंग से रिलेटेड बता रहे हैं, वो जो कि मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो देखिए स्ट्रेंथ तो इसमें बहुत ज़्यादा होगी, क्यों होगी, इसके पीछे रीज़न है कि एक तो एक गवर्नमेंट का है और दूसरी बात रेलवे से रिलेटेड है। तो देखिए, स्ट्रेटेजिक रोल इन इंडियन रेलवे ग्रोथ, ओके, साउंड क्रेडिट रेटिंग दैट इज क्रिसिल AAA A1+, ओके, ये मुझे नहीं पता, इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा एक बार, एज वेल एज कंपेटिटिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ओके, एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, साउंड एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, तो वही जो हमेशा हर कोई कंपनी बताती है। बट इंडियन रेलवे काफ़ी सक्सेसफुली ओन्ड हुई है और सक्सेसफुली चलती है, तो इसलिए इस ये सब चीज़ हमें ऑलरेडी पता ही है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो कंपनी प्रोमोटर्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है कंपनी प्रोमोटर कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू
ही ये ओन की जाती है। अगर कंपनी फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल काफ़ी बेहतरीन मुझे लगे जो कि मैंने देखे हैं। आपको यहाँ पर तो बता रहा हूँ बट नीचे भी आपको बताऊँगा। बिलियन रुपीज़ में है। टोटल एसेट की बात की जाए तो 2017 में इनकी जो टोटल एसेट थी कितनी थी, 12,87,503, जो कि 2018 में बढ़ के 16,14,684 हो गई। और 2019 की बात की जाए तो 20 लाख के लगभग, 20,66,000। और 30 सेप्टेम्बर की बात, मतलब इस क्वार्टर की ही बात करते हैं केवल, तो लगभग 23,83,000, जो कि हर साल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बट इसे छोड़ के अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की कि रेवेन्यू कितना होता है, तो 2017 में 80,000, फिर 92,000, फिर 1,11,000, फिर 66,000। और ये सॉरी, इन्होंने सितंबर दे रखा है। ये जो रिजल्ट होगा शायद सितंबर का हो सकता है जितना मुझे लग रहा है, बट हम आगे देखेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात भी की जाए तो प्रॉफिट इनका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 9,000, 20,000, 22,000 और 17,147। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर हमें फाइनेंशियल यहाँ पर दिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो नेट आईपीओ प्रोसेस और प्रपोज टू बी यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, टू ऑगमेंट कंपनीज इक्विटी कैपिटल बेस टू मीट बिजनेस फ्यूचर ग्रोथ रिक्वायरमेंट, टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। तो वही नॉर्मल, बट आपको जैसे कि पता ही है कि इंडिया में आजकल आत्मनिर्भर भारत की मुहिम चल रही है, इंडिया को एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया देने की तैयारी चल रही है। एज वेल एज आपको पता ही है कि रैपिड ट्रेन्स एज वेल एज मेट्रो का बहुत तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है इंडिया में, बहुत ज़्यादा स्प्रेड की जा रही है। तो इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये आईपीओ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। इसकी IRCTC के बाद इंडिया का बहुत बेहतरीन ये आईपीओ सिद्ध होने जा रहा है जो कि इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। देखिए अगर डिटेल्स की बात की जाए तो डिटेल्स यहाँ पर कुछ खास हमारे पास अभी है नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो हिट करने वाला है माइट भी है जनवरी आपको फर्स्ट वीक में या जनवरी सेकंड वीक में आपको हिट करता हुआ नज़र आएगा मार्केट में। बट स्टिल इसकी ओपनिंग जब आएगा तो मैं आपको ओपनिंग डेट एज वेल एज क्लोजिंग डेट, क्या प्राइस पे आया है, वो सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा। बट कुछ हम इंफॉर्मेशन है जैसे कि फेस वैल्यू, जो कि 10 रुपये का यहाँ पर फेस वैल्यू हमें नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए लिस्टिंग डे कहाँ पर होगा तो BSE NSE पे लिस्ट होता हुआ नज़र आएगा। और कितने शेयर, अगर इक्विटी शेयर की बात की जाए तो लगभग 14 करोड़, सॉरी ये 1,40,70,00,000, 69,000, मतलब इतने 1,40,00,00,000 से ज़्यादा शेयर यहाँ पर मार्केट में लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए फ्रेश इशू की तो जिसमें से 93 करोड़, 80 लाख, 46,000 जो कि आपको फ्रेश इशू होगा, जिसे आईपीओ कह सकते हैं। और अगर ऑफर फॉर सेल की बात की जाए, मतलब जो गवर्नमेंट अपना हिस्सा बेच रही है 100% जो इनके पास हिस्सा है, तो उसमें से लगभग 46 करोड़, 90,23,000 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर ऑफर फॉर सेल के थ्रू, OFS के थ्रू यहाँ पर आते हुए नज़र आएंगे। तो काफ़ी बड़ा IPO ये नज़र आ रहा है, लगभग 4,600 करोड़ रुपीज़ का ये IPO हमें नज़र आएगा। अगर यहाँ पर बात की जाए प्रमोटर यहाँ की, मतलब गवर्नमेंट के पास अभी 100% के शेयर है, तो ये अगर इसके बाद जो ये IPO आएगा तो लगभग 86% के रह जाएंगे। और जब एक फुल डिटेल्स IPO कब आ रहा है हमें पता चल जाएगी, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, तो मैं आपको एक वीडियो बना के यहाँ पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार फाइनेंशियल मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए फाइनेंशियल यहाँ पर 17, 18 और 19 के हैं। इंटरेस्ट इनकम जो उनकी हुई है, 17 में कितनी है, 514 करोड़ की, फिर लगभग 1,000 करोड़ की, और 17, 21 करोड़ रुपये की, जो कि बढ़ती हुई नज़र आई है, काफ़ी बेहतरीन है। डिविडेंड भी देखिए कंपनी देती आई है, 0.4% का इनका डिविडेंड है, 0.4, 0.4, 0.5। अगर लीज इनकम की बात की जाए तो ये यहाँ पर आप लीज इनकम देख सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम देखते हैं सीधे, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2017 में 2,136, फिर 36, 2,624, फिर 29, 42 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए, अगर काट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो लगभग 944 करोड़, फिर 2018 में 2,081,
और 2019 में 2296। तो अभी अगर बात करें तो 2020 में जैसे कि आपको पता ही है क्राइसिस आया था, तो शायद और इंडियन रेलवे ने इतना ज़्यादा खास बिजनेस किया भी नहीं था जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडामिक, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो इसलिए यहाँ पर ये रिजल्ट्स थोड़े से चेंज होते हुए नज़र आ सकते हैं, बट फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी हमें बहुत अच्छी लगती है और ये बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो इस आईपीओ को हमें डेफिनेटली चेक करना चाहिए। और अगर ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस यहाँ पर आप साफ दे सकते हैं, अभी 2019 में 2.45 था जो कि बढ़ते हुए नज़र आया। बुक वैल्यू भी अभी लगभग भी 2020 में 2019 में 20 के आसपास थी, जो 20 रुपीज़ के आसपास। और अब कब आईपीओ आएगा तो सारी डिटेल्स आएगी, तो डेफिनेटली ग्रे मार्केट प्राइस एज वेल एज एंकर इन्वेस्टर ने कितना दिया है और सारी डिटेल्स कब आ रहा है, कब लिस्ट हो रहा है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको उस वीडियो में दे दूंगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज इस वीडियो को बारे में, IRFC के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में एक बार डेफिनेटली आप जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा विकिपीडिया एंड ऑल पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एंड हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।